तुम थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो, जरूरत पड़ेगी। मैं ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं सो सकती। तुम चाहे जो कुछ भी कह लो यार, लोकी और सिल्वी की दोस्ती कुछ ज्यादा ही तेज है। आई मीन को दोनों के मिले हुए अभी बस कुछ ही टाइम हुआ है, मगर हम उनसे कुछ उम्मीदें तो लगा ही बैठे हैं कि भाई कुछ ना तो कुछ तो हो इनके बीच में। लोकी और सिल्वी के जेस्टर्स एक दूसरे के लिए जानलेवा लगते हैं, मतलब कि दोनों बात बात पे एक दूसरे की जान लेने वाली बात करते हैं, मगर बिना किसी सवाल जवाब के दोनों की केमिस्ट्री क्यूट दिखती है। अब देखो, ऐसी बात नहीं है कि एमसीयू अपनी कहानी के साथ टोटली सीरियस है। आई मीन कि एमसीयू अपने राइटर्स के साथ ऑडियंस के मजे ले रहा है फुल टू। मतलब कि लोकी सीरीज के राइटर माइकल वॉल्ड्रोन, जो कि मोस्ट फेमसली अपने रिक एंड मोर्टी शो के लिए ही फेमस है, उन्होंने अपनी ऑडियंस को एक्साइटेड करके कई जगहों पे बहुत मजे दिए हैं। मतलब कि एमसीयू का पूरा फैन बेस इस सीन पे धोखा खा गया था कि भाई कुछ तो होगा, कसम से हमारी कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है। अब देखो, ऐसी बात नहीं है कि सिल्वी पूरी ही अच्छी है। सिल्वी अपने काम के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है, भले ही उसे इनोसेंट माइंड कंट्रोल लोगों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। इंटरेस्टिंग सी बात तो यहाँ पे ये है कि जब सिल्वी जैसा कैरेक्टर सीरीज में इंट्रोड्यूस हुआ, तो इन्होंने इसकी पर्सनैलिटी में इंटिमिडेशन वाला फैक्टर ना जोड़ा जो कि लोग उससे खौफ करें। पूरे के पूरे टीवी के उससे फटती है, लेकिन हमें उससे प्यार हो जाता है। आई मीन कि वो तो मेरी बात है, लेकिन सिल्वी जैसे कैरेक्टर को टेररिजिंग के जगह वो तो क्यूट दिखती है। वो और भी ज्यादा अपने जेस्चर से लवेबल कैरेक्टर नजर आती है। अब देखो भाई लोग, यहाँ पे ये बात हो सकती है कि चाहे तो मैं सिंपिंग की नजर से देख रहा हूँ या फिर इसे लिखा ही ऐसा गया है। जब सिल्वी लोकी पे गुस्सा भी करती है तो वो इतनी क्यूट या लवेबल लगती है कि किसी को कैसे प्यार ना हो जाए। मगर फिर भी जैसा अपने लोकी महाशय ने कहा है कि प्यार एक खंजर है, दर्द देगा मगर जब पाना चाहोगे तो मिलेगा नहीं। आई मीन की मेटाफॉर कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अपना काम हो गया। अब देखो, यहाँ पे इस बात को लोकी के कहने का ये मतलब है कि शायद वो अभी भी एक डाउट में है, क्योंकि वरना लोकी के पास बात करने की ही तो कला है और वो यहाँ पे कैसे फंस सकता है। चाहे तो वो अभी भी एक हेजिटेशन में हो कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर अभी भी उसके अंदर कुछ दर्द बसा, वरना उसे इतनी सी बात कहने में इतना पीने की क्या जरूरत थी। ऊपर से भोसड़ी कभी अपने माँ के लिए गाना गायो, बैकग्राउंड में नॉर्वेनियन गाना बज रहा है, और उसकी लास्ट की दो लाइन सुनिए लोकी महाशय क्या कहते हैं कि इन द एप्पल गार्डन द काइंड मेडन स्टैंड्स एंड when do you come home, when do you come home। और ये गाना भी वो सिल्वी के लिए ही गा रहा है, जो कि वो बात ये कहता भी है। और सिल्वी का भी दिमाग दो तरफा चलता रहता है। ट्रेन में बैठ के ही वो बोलती है कि मैं धोखेबाजों के बीच में नहीं सो सकती हूँ, मगर फिर कुछ ही देर बाद हमें नजर आता है कि वो जाग रही है। इतना जल्दी लोकी भरोसा हो गया? जिस तेजी से तुम दोनों की बॉन्डिंग आगे बढ़ रही है ना, वो दिन दूर नहीं है कि जब तुम दोनों बारिश में भीगते हुए अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बताओगे। अब देखो, वैसे भी मानसून का महीना सबसे रोमांटिक माना जाता है यार, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुम दोनों को। और वैसे भी बहुत सही टाइम पे रिलीज किया उसको। अब देखो, इन सब बातों से मैं तुम सबकी एक्सपेक्टेशन कुछ बहुत ज्यादा हाई नहीं कर देना चाहता हूँ। मेरे को सिल्वी पे अभी भी पूरा भरोसा नहीं है, क्या पता एक मौका मिले और वो लोकी को पिल दे। मगर फिर भी अगर मार्वल हमें दोनों के बीच में कुछ ऐसे सीन्स दिखा रहा है, सिल्वी को खतरनाक की जगह क्यूट दिखा रहा है, दोनों के बीच में इंटेंसली डेडिकेटेड एक एपिसोड बस प्यार की बातों के ऊपर चल रही है और वो ऐसे मजा दे रहा है, तो मजा लो ना यार। अल्फ्रेड हिचकॉक का एक बहुत ही फेमस डायलॉग था कि देयर इज नो टेरर इन द बैंक, ओनली इन इट्स एंटीसिपेशन। और अगर आप इस कोट को अगर प्यार की नजर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टेंशन तभी तक मजा देती है जब तक चीजें फंसी हुई हों। दिल की बात जुबान पे होने के नाते ही एक स्वीट सी टेंशन बनी रहती है कि अबे बोल ना यार। और जब वो इजहार हो जाता है तब कहानी के मायने बदल जाते हैं, क्योंकि वो खूबसूरत यादें तो उस जर्नी में ही है, वरना इंसान मुकाम पे तो पहुंच ही जाता है। निर्भर तो ये करता है कि क्या अकेले जाना चाहते हो। लोकी और सिल्वी की आइडेंटिटी वाइज भी दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं, अपनी पावर से लेकर अपनी अट्रैक्टिवनेस तक। हो सकता है कि इनका सेल्फ लव एक दूसरे के लिए काम कर जाए, मगर इस बात को ज्यादा लंबा खींचना भी अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी जैसे लोकी की इतनी झंड भरी जिंदगी बनी हुई थी, मैं नहीं चाहता कि उसका दिल एक और बार टूटे। हफ्ते भर के अंदर उसने अपने पूरे खानदान को खत्म होते देख लिया, और कितना चीज छीनोगे उससे। और हाँ, वैसे थोड़ा अजीब तो लगता है कि अपने फीमेल वेरिएंट के साथ ही अपने आप को कुछ फीलिंग्स रखना, मगर यार वो किसी और टाइमलाइन से है और अपने आप को अपने से अच्छा कौन समझ सकता है। लेकिन फिर भी ये कोई रीजनेबल रीजन नहीं हुआ, मगर यही तो प्यार की बात है कि प्यार हो जाता है। खैर, फिर भी तुम्हारी क्या उम्मीदें हैं? क्या तुम्हें इस सीरीज में क्या देख के लगता है कि इनका कुछ और आगे होगा? क्योंकि इनकी बॉन्डिंग एपिसोड दर एपिसोड काफी ज्यादा कड़क बनती चल जा रही है, ऊपर से राइटर ने भी ऑडियंस के मजे लेना नहीं छोड़ा है। बताओ यार, अगर ऐसे टिटिलेटिंग सीन्स दिखाओगे तो लोग क्या जज करेंगे? ऊपर से प्यार की फिलॉसफी चल रही है यहाँ पे। और यहाँ मैं कोइंसिडेंस की बात नहीं करूंगा, इनकी बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज प्लानिंग थी। इस सीरीज को भी सेक्स एजुकेशन की मेकर ने ही डायरेक्ट किया है, जो कि काफी ज्यादा सेक्सुअलिटी और प्यार को लेकर इनडेप्थ है। तो कुछ होना तो चाहिए, आई गेस सो, या फिर मार्वल हमारा बहुत बुरा वाला काटने की तैयारी कर रहा है, वो तो आप ही बताएंगे। तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखकर कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल में कहीं से भी नया आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन्ड।